ये मेरा पहला ट्रिप होगा एज अ बैकपैकर। तो क्या होता है, जाने से पहले थोड़ा नर्वसनेस होता है। फिलहाल जो ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ ना, वो इधर ही आएगा। तो गाइस, केरला में अगर आपको आना है ना, आपके पास दो ऑप्शन है। एक्चुअली यही टाइम पे लोग केरला जाना चाहिए। मेरे को एक गिफ्ट भी आया है, कैशियोस वगैरह है। ये देखो इतना सारा मसाला है और ये कबोड़ बहुत खुला है। दोपहर के 1 बज रहे एंड आज के इस वीडियो में हम निकलने वाले हैं फाइनली केरला की तरफ। केरला इज इन साउथ ऑफ इंडिया, मतलब हमारा गांव मैंगलोर। मैंगलोर से भी नीचे जाएंगे तो केरला, यहाँ से 1500 किलोमीटर लगभग। ये वाला सीरीज था बाइक से स्टार्ट होने वाला था, मगर बाइक में आ गई एक छोटी सी दिक्कत। दिक्कत ये है कि बाइक का जो आगे का फ्रंट फोक सील है, उसमें से ऑयल लीक हो रहा है। एंड वो एक महीने पहले मैंने बनवाया था BMW से, पता नहीं कैसे दशहरे के दिन चेक किया था, वो ऑयल लीक हो रहा था उसमें। देन आई कॉल देम एंड मैंने उनको बोला कि ऐसा सीन हो रहा है भाई, क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि लाना पड़ेगा। मैंने लाने को टाइम नहीं है, मेरे पास एक दो दिन का एक्स्ट्रा टाइम नहीं था, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा केरला का ट्रिप प्लान हुआ है ना, ये बहुत इम्प्रॉम्प्टो, मतलब आउट ऑफ नोवेयर प्लान हुआ है। मतलब कल परसों तक केरला का कोई सीन ही नहीं था। दशहरे के नेक्स्ट डे पता चला कि भाई केरला जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक काम था जो केरला में जाके होगा, और मेरे को एक्चुअली 29th से पहले वहां पे पहुंचना है। आज 27th है, आज मैं निकलूंगा तो कल तक पहुंच जाऊंगा, तो एक दिन का बफर टाइम है मेरे पास। मगर बाइक अगर एक दिन छोड़ता होगा तो मेरे को कल निकलना पड़ेगा, मतलब 28 को निकलना पड़ेगा, 29 को रात को पहुंचूंगा। 29 को कैसे भी करके दोपहर तक पहुंचना था, वहां पे जाना था, काम निपटाना था, वापिस रिटर्न आना था नेक्स्ट डे के ट्रेन या फ्लाइट से। तो मैंने सोचा कि जब हम लोग केरला जा ही रहे तो भाई क्यों ना केरला को एक्सप्लोर किया जाए। तो इसी माइंडसेट से मैं निकल रहा हूँ अभी, केरला को जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। अभी एक्सप्लोर कैसे करना है, बाइक लेके तो नहीं जा रहे, तो अपने को जाना पड़ेगा एज अ बैकपैकर। ये मेरा पहला ट्रिप होगा एज अ बैकपैकर। बैग उठाएंगे, सामान भरेंगे और निकलेंगे केरला की तरफ। सोलो ट्रिप है, बिल्कुल आइडिया नहीं मेरे को खिला, इससे पहले मैं कभी नहीं गया। लैंग्वेज का क्या सीन है, कैसे होने वाला है, मेरे को बिल्कुल पता नहीं क्या होने वाला, आगे कहाँ कहाँ घूमने वाला, ये भी बिल्कुल डिसाइडेड नहीं है। क्योंकि परसों पता चला रात को, टिकट बुक किया तत्काल आज का एंड आज निकल रहा हूँ, तो बिल्कुल वो प्रिपेरेशन का टाइम नहीं मिला केरला में। यकीन ये करूँगा वो करूँगा, कुछ सोचा नहीं भाई। अगर आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो ना, तो आप लोगों को पता है भाई, अपन कैसे ना कैसे करके घूम ही लेंगे, मतलब फुल मचाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और आएंगे। अब तक देखो ना, पैकिंग ही नहीं हुआ मेरा। 5 बजे का ट्रेन है, दोपहर के 1:30 बज रहे, पैकिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अभी कितने दिन का ट्रिप बनेगा वो भी मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है भाई, मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि आगे कितने दिन का ट्रिप बनेगा, मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ। अब मेरा प्लान ये है कि जाऊँगा, एक आध दिन रुकूंगा, घूमूंगा, देखा केरला मेरे को अच्छा लगा तो फिर अपन घूमेंगे, फुर्सत में नहीं अच्छा लगा तो एक दो दिन में रिटर्न आ जाऊंगा। केरला एज यू ऑल नो इज गॉड्स ओन कंट्री गाइस, तो जहाँ पे मैं जाने का सोच रहा हूँ ना, वहाँ का वेदर एक नंबर है। एक्चुअली यही टाइम पे लोग केरला जाना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए था, अपन भी यही टाइम पे जा रहे हैं और केरला को एक्सप्लोर करने वाले है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइस। सो व्हाट इज अप ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है एंड हाउ इज एवरीवन। डाल पैकिंग करता हूँ भाई, कौन सा बैग लेके जाने का वो भी नहीं मालूम, मैं ये लेके जाऊंगा। फाइनली आई थिंक मेरा पैकिंग हो गया है, ये एक बैग पैकिंग हो गया है पूरा, बस ये लैपटॉप इसके अंदर डालना है, छोटा मोटा कैमरा गया सब इसके अंदर ले लिया है, ड्रोन इसके अंदर डाल दिया है। इस वाले ट्रिप में अपन ड्रोन यूज करने वाले, क्योंकि केरला बहुत ब्यूटीफुल है, अगर ड्रोन उड़ाने का मौका मिला तो व्हाई नॉट ड्रोन उड़ाएंगे और फुल मचाएंगे, ड्रोन में अच्छे अच्छे शॉट्स लेंगे। इसलिए इन केस ड्रोन का काम आया तो ड्रोन ले लिया मैंने। अब व्लॉग बनाते हैं मजबूत कड़क कड़क, जो काम के लिए मैं जा रहा हूँ एक्चुअली बता दो। ये एक लैपटॉप बैग है, इसके अंदर प्रदीप का लैपटॉप है, मैकबुक जो मैंने बोला था आपको ये खराब हो गया था, दूसरा वाला मैकबुक उन्होंने उसको वारंटी के अंदर बना के दे दिया है। बस ये लैपटॉप देने के लिए मैं केरला जा रहा था, मगर फिर मैंने भी सोचा कि यार शायद ऊपर वाला इशारा कर रहा है कि तू पट्टा है केरला को। 4 बैग हो गया फुल पैक, ज्यादा नहीं एक ही बैग लेके जा रहा हूँ, एक बैग पाउच और एक लैपटॉप का बैग। लैपटॉप का बैग तो उधर दे दूंगा पहले दिन ही, ये दो चीज रहेगा मेरे पास। टोटल बैग पैकर जैसा घूमेंगे, तो क्या होता है जाने से पहले थोड़ा वो नर्वसनेस होता है ना, वो हो रहा है मेरे को एक्चुअली। ये ना मैंने ऐसा बैग पैकर जैसा कभी ट्रैवल नहीं किया, हमेशा बाइक पे गया, वो राइडर जैसा ट्रैवल किया। तो इस बार तो बहुत सोच के यार ये करूँगा वो करूँगा, मगर पता नहीं क्या क्या करूँगा। रेंट का स्कूटी वगैरह मिलता है वहाँ पे, अगर मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। पड़ गया यार, नेट पे सर्च किया तो बहुत लोग अलग अलग बोल रहे हैं। चलो भाई तुम लोग को सुकून है, दो हफ्ता 3 हफ्ता कॉफी पीता हूँ। ये भी सही बोला किसी ने, तो संदेश भी रेडी हो गया लगता बैठ के। किधर है? अच्छा आए हो गया रेडी। हेलो, ये भी रेडी हो के आ गया।
मैं भी रेडी हो गया, अभी तुम लोग भी रेडी हो जाओ, जा रहा हूँ मैं। ओ देखो इधर पब्लिक आया है, पब्लिक उनकर भी आ गया भाई, पहले जानने के लिए, वीडियो से पहले जानने के लिए आया है, छोड़ने के लिए। इंस्टा पे स्टेटस देखा, दौड़ते दौड़ते आ गया, भाई जा रहा, भाई जा रहा। इसको बोलते नसीब वाला, देखो ऐसे दोस्त लोग होने चाहिए ना साथ में यार, मैं अकेले नहीं यार, साथ में है कोई ना कोई, तो इसको बोला मैं संदेश को, अकेले बोला चल साथ में, अकेले छोड़ने प्लान भी किए थे ना, प्लान भी किए, संदेश बोला कि देखते प्लान करते, मगर फिर उसका काम निकल गया, काम जरूरी है भाई, दिवाली आ रहा, दिवाली निकलना पड़ता है। बाइक लेके जाने में, ट्रेन में जाने में जमीन और आसमान का फर्क है, बाइक में सुबह सुबह निकलना पड़ता है, ट्रेन के लिए तो आराम से सुना सो हो गए, शाम को निकला है। फाइनली आ गए भाई, ओके भाई जाते हैं और मिलते हैं, अभी मिलता हूँ तुमको, कितने दिन के बारे में मालूम नहीं, तुम लोग जाओ इधर से, नहीं तो इधर ट्रैफिक हो जाएगा बहुत। चल भाई ठीक है, भाई भाई मिलते हैं, क्या 15 मिनट का टाइम है अपने पास, अब 15 मिनट में ट्रेन किधर आएगा क्या आएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो मालगाड़ी का जाम लग गया यार, मजाक मजाक में मेरे को तो फील हो रहा है कि मैंने सामान थोड़ा ज़्यादा भर दिया बैग में, अभी फील हो रहा है मुझे, मेरे कंडीशन पे दुख हो रहा था, मगर इसको देख के अभी ठीक लग रहा है, बेचारे के पास बहुत सामान है यार, बहुत ज़्यादा अकेला लेके जा रहा है। फिलहाल जो ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ ना वो इधर ही आएगा, कोच्चिवेली गरीब रथ, गरीब रथ से जाऊँगा, एसी है, आराम से जाएंगे, सुकून से, कोई टेंशन नहीं है। और हम लोग उतरने वाले हैं एर्नाकुलम, एर्नाकुलम स्टेशन उतरेंगे, फिर वहाँ से आगे का प्लान चालू होगा। आ गया ट्रेन, आ गया ट्रेन, आ गया भाई ट्रेन, आ गया विंडो सीट यार, मस्त विंडो का मतलब नहीं है, एसी में। चलिए फाइनली फाइनली ट्रेन स्टार्ट हो चुका है यार, मतलब अभी सिग्नल पर रुका है, मगर ट्रेन स्टार्ट होगा, जर्नी स्टार्ट होगी केरला की, अपन जा रहे केरला। अभी मेरे को वो नर्वसनेस खत्म हुआ अब जाके कि ट्रेन चालू हो गया, अभी तो जाने ही जाना है ना, जाना है और मचाना है, आराम से जाते हैं, फुल मचाते हैं और फुल मचा के आते हैं यार। दिस ट्रिप विल बी वेरी क्या बोलते हैं वो, बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत फन होने वाला है, देखा होपफुली इस ट्रिप से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स गो टू केरला। एक्चुअली बिल्कुल गाड़ी में नहीं गया था, तो इसीलिए अभी बैठ के बुक और पेन लेके प्लानिंग किया जा रहा है, प्लानिंग करके मिलते हैं, कैसे क्या करना बिल्कुल आइडिया नहीं है, मगर होपफुल हो जाएगा। करण जाड़ी, अब करण जाड़ी पहुंच गया, हम लोग पनवेल से चले थे। तो गाइस केरला में अगर आपको आना है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फ्लाइट जा सकते हो, या तो आपको जाने के लिए ट्रेन प्रेफर करना पड़ेगा। फ्लाइट के लिए वहाँ पे दो ऑप्शन है, मतलब दो एयरपोर्ट है, या तो कोच्ची या तो त्रिवेंद्रम। और ट्रेन से जाना है तो मैं फिलहाल कोच्ची उतर रहा हूँ। देखो दो टाइप से जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, या तो कोच्ची से घूम के त्रिवेंद्रम जा सकते हो, या त्रिवेंद्रम से ऐसा घूम के कड़ी मुन्नार वो सब होके आप कोच्ची आ सकते हो, मतलब या तो ऐसे जाओ या तो ऐसे जाओ। तो मैं कोच्ची से जा रहा हूँ, मोस्टली ज़्यादा करके लोग कोच्ची से जाते हैं, जिसको हिल्स पसंद है वो कोच्ची से जाएगा, क्योंकि कोच्ची से डायरेक्टली आप मुन्नार जा सकते हो, मुन्नार से एलएपी, एलएपी से डायरेक्ट कोच्ची आ सकते हो, मतलब ऐसा घूम सकते हो। सी आपको ज़्यादा पसंद है तो आप जाओ त्रिवेंद्रम, वहाँ से फिर टेकड़ी जाओ, टेकड़ी से हिल्स की मतलब मुन्नार की तरफ जाओ, मुन्नार से आप ये साइड आ जाओ कोच्ची की तरफ। दो ऑप्शन है, दोनों तरफ से जा सकते हो। और आप सभी को पता है केरला कोई सिटी नहीं है, केरला एक बहुत बड़ा स्टेट है, घूमने के लिए ना 10-12 दिन भी कम पड़ जाएंगे। अब मेरे पास उतना दिन फिलहाल है ही नहीं, क्योंकि मेरे को दिवाली के लिए रिटर्न भी घर पे जाना है यार, एंड एक्चुअली दिवाली से पहले रिटर्न घर पे जाना है। मेरे पास लगभग एक हफ्ते का टाइम है, शायद घूमने के लिए 4-5 दिन ही मिलेगा, तो 4-5 दिन में जो बेस्ट जगह होगी वहाँ पे जाने का मेरे को, एंड अभी खाना वाना खाऊंगा यार, भूख लग रही है। ट्रेन अभी फिलहाल हॉल्ट है, ये देखो हॉल्ट है। एक्चुअली अगर मैंने प्लान किया होता ना ठीक से, तो मैंने ये ट्रेन को बुक नहीं किया होता। ये मुंबई से कोच्चि तक का जर्नी का सफ़र है 25 आवर्स का, अभी शाम को आज बैठा तो कल शाम को पहुंचाएगा, अभी कल शाम को वहाँ पे पहुंचने का कोई मतलब नहीं है यार, मतलब कल सुबह पहुंचता तो बेटर था, कोई ऐसा ट्रेन जो सुबह पहुंचाता तो अच्छा होता, मगर ये ट्रेन शाम को पहुंचाएगा, और शाम के बाद में फिर वहाँ पे एक्सप्लोर करने जैसा कुछ होगा नहीं ज़्यादा। तो आप लोग ऐसा बुक करना कि सुबह का ट्रेन हो कोई भी, जो सुबह आपको पहुँचाए मुंबई से, होटल वगैरह बुकिंग करके अच्छे से एक्सप्लोर करके कोच्चि फिर आगे बढ़ते थे। और मैं शाम को पहुँचूंगा कल, शाम को कोच्चि में कहाँ घूमूंगा। मम्मी ने कुछ खाने को भेजा यार, खा लेता हूँ, मैं यूजुअली कभी लाता नहीं हूँ, मगर इस बार बोला कि यार यार मम्मी ने डब्बा इतना अच्छा भेजा यार, अभी डब्बा फेंकना पड़ेगा, डब्बा फेंकूँगा ना तो मम्मी मेरे को घर के बाहर फेंक देगी। झींगे का भाजी रोटी खाओ, ख़त्म करो। सो भैया ये नीचे का सेट अपना, ऊपर वाले लोग सो गए।
क्या ही टाइम पे उठा हो यार, उड़पी आ गया। उड़पी ये मेरा गांव है, गोवा वगैरह सब पार हो चुका है। सुबह के 9 बज रहे, 9 बजे उड़पी स्टेशन आया है। यहाँ से हमारे पप्पा का गांव है भाई 2 मिनट की दूरी पे, मतलब हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस जा सकते हो 10 मिनट में। अभी उठा, जस्ट उठा, फ्रेश हुआ, ब्रश किया, हर का आनंद लिया एंड देखते देखते उड़पी आ गए। इससे भी आगे जाना है हमको, और लगभग 7-8 घंटे का जर्नी पूरा करना है अभी यहाँ से आगे, ऑलमोस्ट 7-8 hours का, मतलब शाम को 6 बज जाएगा। 9 घंटे का जर्नी है एक्चुअली, 9 घंटे का जर्नी पूरा करना है यहाँ से आगे टूवर्ड्स कोची एर्नाकुलम। और लैंग्वेज तो अभी से मेरे को एकदम ऐसा हो गया है कि भाई क्या बात कर रहे लोग। एक हफ्ता तो वहाँ पे जाके भी यही देखना पड़ेगा। उड़पी का सफ़र यही तक था, अब निकलते अपने डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ के लिए हम लोग निकले हैं। एग्जैक्टली केरला कोची। तो वी आर एट कासरगोड, कासरगोड पहुंच गए हम लोग यार। कासरगोड इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केरला, केरला का बॉर्डर तो पीछे स्टार्ट हो गया मगर ये मेन स्टेशन है केरला का, कासरगोड। यहाँ से केरला स्टार्ट होता है मगर यहाँ से जो साइड का व्यू है, मतलब यहाँ से जो आगे का व्यू है ना ट्रेन का, वो बहुत ही सीनिक होने वाला है क्योंकि वो साइड अरेबियन सी है और ये साइड से ट्रेन जाता है बहुत कोस्टल लाइन से, बहुत ही क्लोज में ट्रेन निकलता है। तो मतलब समंदर वो साइड, ट्रेन ये साइड, तो हम लोग एकदम समंदर के बहुत पास से जाएंगे। अभी यहाँ से आगे सीनिक बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। ट्रेन स्टार्ट हो गया, अभी निकलना पड़ेगा फट फट। गुट रहा हूँ 4 बजे रहे, रात को नींद पूरा नहीं हुआ था, अभी नींद पूरा हो गया। मैक्सिमम 6 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। मैं ये खा के सोया था, देखो क्या ये पुनी अप्पा में केरला का डिश है। अब केरला है तो केरला का डिश खाना पड़ेगा ना, तो केरला का पहला डिश पुनी अप्पम, पुनी अप्पम खाया। पुनी अप्पम खाने के बाद में एक और चीज़ अभी जा रहा था ट्रेन में ले लिया मैंने। देखो ये हमारा नॉर्मल चिप्स एंड ये है रोस्टेड चिप्स। रोस्टेड मतलब एक्चुअली ये थोड़ा ज़्यादा फ्राई किया हुआ चिप्स है। मेरे को ये वाला चिप्स ज़्यादा पसंद है इसके मुकाबले, और ये ज़्यादा हमारे यहाँ पे मिलता नहीं है, मतलब बॉम्बे में ये वाला चिप्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा ना, थोड़ा स्वीट होता है ये, तो मेरे को ये पसंद है। अब केरला में ये बहुत मिलता है तो हम ये खाने वाले बहुत। वन ऑफ द फेवरेट स्नैक्स है बनाना चिप्स, हेल्दी भी है, मतलब ठीक है तेल में फ्राई होता है मगर केले का ये मैदा वैदा नहीं है, तो एटलीस्ट ये ठीक है। फाइनली एर्नाकुलम पहुंच गए। इट इज 5:45 एग्जैक्ट टाइम पे आया है ट्रेन, एग्जैक्ट टाइम पे जिस चीज़ के लिए आया, मतलब जिसके लिए आया हूँ उसको फ़ोन करना पड़ेगा एक्चुअली। प्रदीप का लैपटॉप देना है ना, तो लैपटॉप देने के लिए उसको पहले फ़ोन करना पड़ेगा कहाँ से आई है, मतलब प्रदीप की फ्रेंड है, फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा भाई। यहाँ से अपने को आगे बिल्कुल मालूम नहीं क्या करना है, बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो गाइस हियर इज निकिता, इसके लिए आए हम लोग इतना दूर से। लैपटॉप देने था प्रदीप का, विशेष फ्लाइंग टुमारो डे आफ्टर टुमारो। मैंने बोला अभी जाते हैं, इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। अभी फिलहाल निकल रहे थोड़ा बाहर, होटल वगैरह देखेंगे या होपफुली कुछ अच्छा मिल जाए। डिटेल्स निकालता हूँ स्कूटी वगैरह का, डिटेल निकालता हूँ, अगर रेंट पे स्कूटी वगैरह मिल गया तो स्कूटी वगैरह लेंगे और निकल जाएंगे टुवर्ड्स मुन्नार। तो बट आई डोंट नो, मेरे को बिल्कुल श्योर नहीं कोई चीज़ का। मेरे को एक गिफ्ट भी आया है, कैशियोस वगैरह है। थैंक यू फॉर कैशियोस। अभी जाते फिलहाल होटल वगैरह देखते हैं एंड फाइनली वी आर इन केरला, इस वी आर इन केरला एंड घूमते केरला, मस्त मज़े करते।